नमस्कार, स्वागत है आपका सरल भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीलेश पटेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं, कैसे आप महंगाई को हरा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। इन्फ्लेशन को बीट करने से पहले आप यह जान लीजिए कि आपको इन्फ्लेशन को क्यों बीट करना है। तो आप इस सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने अपने दादा दादी, मामा मामी या फिर अपने पिताजी से सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में हम एक रुपए में पूरे हफ्ते भर का राशन पूरे परिवार का ले आते थे और उससे पूरा खर्चा चल जाता था पूरे एक हफ्ते का। लेकिन अब एक हफ्ते का राशन 1000 रुपये में आता है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई की वजह से जो वैल्यू है, मूल्य है वस्तुओं का, प्रोडक्ट का, वह इंक्रीज हो गया है। वो इंक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि उसकी जो लागत है वह भी इंक्रीज होती गई। और इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह रही कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन की वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मनी पर। यदि आपका मनी सेविंग अकाउंट में रखा है तो वो धीरे धीरे इतना डिवेल्युएट हो जाएगा कि उसकी वैल्यू ठीक वैसे ही रहेगी जैसे उस टाइम पर 1 रुपये की थी और अभी 1000 रुपये की वैल्यू है। तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपको इन्फ्लेशन को क्यों बीट करना ज़रूरी है। अब आइए हम जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह पहला तरीका जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करके अपने मनी को ग्रो कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं ताकि आपका परचेसिंग पावर ना घटे। आपको अपने मनी को ग्रो करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपका जो परचेसिंग पावर है, जो आपकी मनी की वैल्यू है, वो टाइम के साथ डिवेल्युएट ना हो। आपकी जो मनी की वैल्यू है वो करंट सिचुएशन में भी उतनी रहे जितनी वो पिछले एक साल पहले थी। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपके मनी को इतना ग्रो करना होगा जितना इन्फ्लेशन की अभी रेट चल रही है। तो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। निफ्टी का यदि हम लास्ट 10 ईयर का रिटर्न देखें तो उसने 10% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और वहीं अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें इंडिया में तो नियरली 6 या 7% के आसपास इन्फ्लेशन रही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने जो लॉन्ग रन में रिटर्न दिया है वह 10% से ज़्यादा है और जो इन्फ्लेशन रही है वह 6 से 7% के आसपास रही है। तो मैं जो पहला तरीका है स्टॉक मार्केट का, तो स्टॉक मार्केट ने इन्फ्लेशन को बीट किया है। यदि आपने स्टॉक मार्केट में लॉन्ग रन यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मनी ग्रो करेगा और इन्फ्लेशन को बीट करेगा और डिवेल्युएट होने से बचेगा और आपकी जो परचेसिंग पावर है उसको बढ़ाएगा। यदि आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से घबराते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में का भी अगर हम रिटर्न देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न लास्ट 10 ईयर का देखें तो उसने भी 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो आपकी इन्फ्लेशन रेट है उसको बीट किया है। तो यदि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में, इंडिविजुअल स्टॉक में आप यदि इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में मैं क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड का अगर हम रिस्क की बात करें तो वह इक्विटी म्यूचुअल फंड और उससे स्टॉक मार्केट यानी इंडिविजुअल स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे उसका जो रिस्क है वह कम रहता है। तो आप डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप, मैं आपको जो चौथा तरीका बताने जा रहा हूं वह है आप बॉन्ड मार्केट। जो गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपनी मनी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बॉन्ड मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक भी है। जैसे यदि इन्फ्लेशन बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है। अब होता क्या है, यदि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, तो होता क्या है, इससे जो बोरोवर्स होते हैं, बोरोवर्स क्या करते हैं, लोन
अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो वो लोन क्यों लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो होगा क्या? इससे होगा क्या कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड एक्चुअली में होते क्या है, एक प्रकार के लोन ही होते हैं। बॉन्ड जारी करके कंपनियां या सरकार मनी लेती है मार्केट से। यदि बॉन्ड की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली उसके प्राइस भी कम होंगे। तो यदि इन्फ्लेशन बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, तो जो बॉन्ड के प्राइस है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसका रिवर्स भी होता है, वाइस वर्सा। यदि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होती है तो बोरोवर्स ज़्यादा मनी बोरो करेंगे, और इन्फ्लेशन क्या होगी, इन्फ्लेशन यदि स्टेबल रहती है, डाउन होती है, तो आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। और इससे होता क्या है कि बॉन्ड के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है बॉन्ड की। अब मैं जो आपको अगला तरीका बता रहा हूं वह है आरबीआई ने एक इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड निकाला था। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आरबीआई ने बॉन्ड निकाला कि आप इन बॉन्ड में इन्वेस्ट करके अपने मनी को ग्रो कर सकते हैं और इन्फ्लेशन से अपने मनी को डीवैल्यूएट होने से बचा सकते हैं। तो आप और अगला तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट के अगर हम लास्ट 10 ईयर के रिटर्न देखें तो उसने भी 10% का रिटर्न दिया है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक है कि रियल एस्टेट में यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो उसमें आपको ह्यूज मनी, करोड़ों में रुपी की ज़रूरत होती है यदि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो। और इसके रिटर्न की बात की जाए तो इसने भी 10% के रिटर्न दिए हैं जो आपके मनी को इन्फ्लेशन से बचा सकता है। तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि आपके पास ह्यूज अमाउंट में मनी है तो। अगला तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है गोल्ड, सोना। सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड यानी सोना, मेटल। सोने का अगर रिटर्न देखा जाए तो उसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जब भी मार्केट में पैनिक की सिचुएशन बनती है या जब भी कोई ऐसी सीवियर कंडीशन बनती है जिससे क्राइसिस आने की संभावना बनती है, तो गोल्ड के प्राइस हमेशा ऊंचाइयों पर गए हैं। तो गोल्ड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यदि आपको अपने मनी को ग्रो करना है, इन्फ्लेशन से बचाना है, तो आप गोल्ड में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताना चाहता हूं, जिसमें उस रिपोर्ट में बताया गया था कि यदि 1% इन्फ्लेशन बढ़ती है तो 2.6% गोल्ड की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जब यदि गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। प्राइस भी इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली आपको उसमें भी बेनिफिट होगा। गोल्ड वैसे ही एक्सपर्ट रहे हैं उनका सेफ हैवन रहा है। जब भी क्राइसिस की कंडीशन आती है तो गोल्ड हमेशा ही बचाता है ऐसी सिचुएशन से। जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो गोल्ड एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। तो जो फाइनल और लास्ट तरीका मैंने आपको बताया कि आप अपने मनी को ग्रो कर सकते हैं और सेफ भी रख सकते हैं, वह है गोल्ड। गोल्ड आप फिजिकली भी खरीद सकते हैं, और यदि आपको फिजिकली गोल्ड नहीं खरीदना है तो आप ऑनलाइन भी गोल्ड को खरीद सकते हैं। गोल्ड ETF होते हैं, उनको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और वो गोल्ड ETF आपके अमाउंट से उतने अमाउंट का गोल्ड परचेस करके रख लेंगे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा गोल्ड में वो आपका सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। और जब भी कभी भी क्राइसिस की कंडीशन रहेगी तो आपको बचा सकता है और आपके मनी को भी ग्रो करेगा गोल्ड। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि वो कौन कौन से तरीके हैं जो आपको यूज करने चाहिए, और लास्ट और आखिरी जो फाइनल टिप है मैं आपको बताना चाहता हूँ, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। कहने का मतलब यह है कि आपको सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको तरीके बताए उसमें से आप 3 से 4 तरीके को चुनिए और आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए, ताकि जब भी कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन बनती है आपके लाइफ में, तो जो मैंने आपको तरीके बताए वो ना केवल आपके इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करेंगे, बल्कि आपके मनी को भी साइलेंटली ग्रो करेंगे, और जो फ्यूचर की आपके एक्सपेक्टेशन गोल्स होंगे उनको फुलफिल करने में मदद करेंगे।
इसी तरह के और फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए बने रहिए सरल भारत न्यूज के साथ। दीजिए नीलेश पटेल को इजाजत। नमस्कार।